Hello, my dear children. Today we will do Unit 1, A Happy Child, a poem in our Marigold book. Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do a poem in our Marigold book. This is your Marigold book. Okay? Now we will start with the poem. Here, this is Unit 1, A Happy Child. यहाँ पे आप देखो, एक लड़की बैठी है झूले पर, वो एक हैप्पी चाइल्ड है. हैप्पी चाइल्ड यानी बहुत खुश रहती है, बहुत हमेशा हंसती खेलती नाचती रहती है. सो वी विल सी द पोएम एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी देर इज़ अ रेड कलर हाउस, देर इज़ अ ग्रीन ट्री, एक बड़ा सा पेड़ है जो हरे रंग का है, एक रेड कलर का घर है. सो वी विल सी द पोएम नाउ. ई एन जे ओ वाई एन्जॉय, टी एच आई एस दिस, पी ओ ई एम पोएम, एन्जॉय दिस पोएम. यानी ये पोएम पढ़नी है और एन्जॉय करनी है और समझनी भी है. माई हाउस इज रेड, ए लिटिल हाउस, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लाफ and play the whole day long. I hardly ever cry. यानी ये लड़की ऐसा बोलती है कि मेरा घर है वो रेड कलर का है, यानी लाल रंग का है, और छोटा सा घर है. देखो यहाँ पे उसका घर है, छोटा सा है और उसका रूफ रेड कलर का है. और वो ए हैप्पी चाइल्ड है, मैं एक खुश लड़की हूँ. और आई लाफ एंड प्ले, मैं सारा दिन हंसती रहती हूँ खेलती रहती हूँ. आई हार्डली एवर क्राई, मैं कभी कभी ही रोती हूँ. आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन. यानी मेरे घर के पास एक पेड़ है, मेरा एक पेड़ है, ऐसा ये बोलती है. आई हैव अ ट्री, ग्रीन ग्रीन ट्री, यानी ट्री ग्रीन कलर का है. टू शेड मी फ्रॉम द सन, यानी धूप से मुझे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो मैं उस अपने आप को धूप से बचाने के लिए ये ट्री के नीचे जाती हूँ. एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, देन व्हेन ऑल माई प्ले इज डन. यानी मैं जब अपना सारा खेलना काम करना होमवर्क सब खत्म हो जाता है, तो मैं ये ट्री के नीचे जाकर बैठती हूँ. और उस पर झूला लगा है, देखो स्विंग लगा है, तो वहाँ पर वो झूलती है. नाउ वी विल रीड द पोएम वंस अगेन. माय हाउस इज रेड, ए लिटिल हाउस, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन. And under it, I often sit when all my play is done. So children, today you will learn this poem. Try to read it and do it. Now you will see some new words. New words yani, aapko naye naye words seekhne ko milenge. C-R-Y, cry. Cry yani, rona. D-A-Y, day. Yani, din. R-E-D, red. Yani, red color. S U N, sun, yani sun, suraj. Now we will read. Let's read, yani hum padhenge. The sun shines in the sky. Yani jo sun hota hai, wo sky mein chamakta hai. I have a red pen. Mere paas ek red pen hai. Mere paas ek lal pen hai. So children, today you will be doing the poem A Happy Child. You will read the poem and try to understand it. Okay, children? Bye-bye. Take care.